मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे से सटे अंबरनाथ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर की प्रेशर कंट्रोल वाल्व टूटकर गिरने से मौत हो गई है, जबकि दो मजदूरों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक अंबरनाथ आनंद नगर MIDC में नेलेस वॉलमेट कंपनी है और ये पूरी घटना इसी कंपनी की है जो CCTV में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी पाइपलाइन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रेशर कंट्रोल वाल्व बनाती है और मंगलवार शाम 7 बजे के आसपास कुछ मजदूर प्रेशर कंट्रोल वाल्व में हवा भरकर इसकी जांच कर रहे थे और अचानक ये वाल्व फट गया, जिससे 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में इन मजदूरों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, मगर इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक मजदूर की पहचान श्रीकांत के रूप में हुई है और इसके परिवार कंपनी से इसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने बताया है कि इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है।